Press the bell testbook.com टू फ्रेंड्स बुक डॉट कॉम जैसे कि आपको पता है कि रेलवे सी बी ने की जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर सिलेबस मेंशन किया हुआ है तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स और अलाइड ब्रांचेस जो हैं उसकी उसके सिलेबस पे अगर नजर डालें तो आपको देखेगा कि उसके अंदर जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक है उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक जो है वो नंबर सिस्टम और बाइंड्री कोड्स का है तो आज हम देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए और हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे बहुत ही बेसिक से जिससे कि आप इस सब्जेक्ट में और इस टॉपिक के अंदर मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाएँ तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस फिगर में आपको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं और मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को लिख के दिखाइए तो हो सकता है कि कोई बच्चा इसको वन जीरो टेन लिखे हो सकता है कोई उसको रोमन न्यूमरल में एक्स लिखे हो सकता है कोई उसको बाइनरी में वन ज़ीरो वन जीरो लिखे और हो सकता है कोई उसको हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ ए लिखे तो इनमें से कौन सी रिप्रेजेंटेशन सही है अगर आप देखेंगे तो ये सारी रिप्रेजेंटेशन सही है ये सिर्फ एक ही नंबर को लिखने के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है दीज आर जस्ट द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम नंबर तो इसका मतलब क्या है कि हम एक नंबर को एक से ज़्यादा फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसी को हम कहते हैं नंबर सिस्टम्स तो आज हम देखेंगे कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं और उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है अपने रेलवेज़ की तैयारी के लिए तो दोस्तों रेलवेज़ के जो जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहले चीज़ आती है बेस जिसको हम रेडिक्स भी कहते हैं तो हर नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होता है बेस का मतलब बेस से हमें क्या पता लगता है कि उस नंबर सिस्टम में हम कितने सिंबल्स यूज कर सकते हैं जैसे कि बाइंड्री नंबर बाइंड्री जो नंबर सिस्टम है उसका बेस टू होता है और उसके अंदर हम दो ही सिंबल यूज करते कर सकते हैं दो सिंबल मतलब दो डिजिट्स किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ ज़ीरो और वन ऐसे ही ऑक्टल नंबर सिस्टम जो होता है उसका बेस एट होता है और उसके अंदर हम सिम्बल्स जीरो से सेवन यूज़ कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के लिए बेस टेन होता है और ज़ीरो से नाइन यूज़ कर सकते हैं तो रेगुलर जो हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं आपने देखा होगा कि कोई भी नंबर को कोई भी जो नंबर आप लिखते हैं उसको आप ज़ीरो टू नाइन डिजिट्स यूज़ करके ही लिखते हैं जैसे आपको अगर फिफ्टी फोर लिखना है तो उसको आप फाइव एंड फोर लिखेंगे उसके लिए आपके पास कोई अलग सिंबल नहीं है ऐसे ही अगर आपको इलेवन लिखना है तो उसको आप वन और वन यूज़ करेंगे जो कि डेसिमल की रेंज में आता है नंबर्स के ज़ीरो टू नाइन में ऐसे ही हेगर जो होते हैं उसका बेस सिक्सटीन होता है इसके अंदर हेग्जा सिस्टम के अंदर जो टेन हम लिखते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से जो इलेवन हम लिखते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से ऐसे ही चलते चलते जो हम फिफ्टीन लिखते हैं उसको हम लिखते हैं एफ़ से तो ऐसे ही कोई भी नंबर सिस्टम अगर हो जिसका बेस अगर आर हो तो उसके अंदर ज़ीरो से आर माइनस वन तक सिंबल्स होंगे जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस फाइव है तो उसके अंदर ज़ीरो वन टू थ्री एंड फोर ये पांच सिंबल हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी के साथ अगर हम बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे आपने मान लीजिए कोई नंबर ले लिया जैसे टू फोर लेट से थ्री टू तो टू फोर थ्री टू क्या होता है इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ टू थाउजेंड प्लस फोर हंड्रेड प्लस थर्टी प्लस टू ये मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ और टू थाउजेंड को मैं कैसे सक सकता हूँ टू इंटू थाउजेंड थाउजेंड यानी टेन टू द पावर थ्री फोर हंड्रेड मीन्स फोर इंटू टेन टू द पावर टू थर्टी मीन्स थ्री इंटू टेन टू द पावर वन एंड ट मीन्स एंड टू मीन्स टू इंटू टेन टू द पावर ज़ीरो तो अगर मैं देखूँ कि जो डिजिट्स हैं टू थ्री फोर एंड टू ये जो डिजिट्स हैं ये एक स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसे हम कहते हैं वेट 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 क्या होता है हर एक पोजिशन का हर एक नंबर सिस्टम में एक वेट होता है तो अगर आपको किसी नंबर को लिखना है तो आप उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए जो हम बात करते हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम हो भले ही बाइनरी नंबर सिस्टम हो डेसिमल हो बाइनरी हो ऑक्टल हो या हेक्साडेसिमल डेसीमल हो ये सारे नंबर सिस्टम जो होते हैं ये हमारे वेटेड नंबर सिस्टम कहलाते हैं क्योंकि इसके अंदर हर एक जो पोजीशन होती है बेट की हरे पोजीशन होती है जो सिंबल की उसके अंदर उनका पर्टिकुलर वेट होता है तो अब हम देखेंगे किसी भी नंबर को डेसिमल से बाइंड्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए जैसे हमने एक एग्ज़ाम्पल के लिए लिया वन तो वन को हम क्या करेंगे जैसे कि लिखा है यहाँ पर डिवाइड बाई टू एंड नोट डाउन द रिमाइंडर इसका मतलब क्या है कि आप टू को सक्सेसिवली डिवाइड कीजिए वन ट्वेंटी थ्री को सक्सेसिवली डिवाइड कीजिए टू से तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो टू सिक्स जै ट्वेल्व एंड टू वन जै टू रिमाइंडर बच गया वन फिर मैं डिवाइड करूँगा सिक्सटी वन को अगर टू से तो ये बचेगा टू तो थ्री ज़ा सिक्स एंड रिमाइंडर बचेगा इधर वन ऐसे अगर मैं सक्सेसवली डिवाइड करूँ थर्टी को तो इधर रिमाइंडर बचेगा ज़ीरो और टू सेवन जो फोटीन रिमाइंडर बचा वन टू थ्री ज़ा सिक्स रिमाइंडर बचा वन टू वन ज़रा टू रिमाइंडर बचा वन एंड टू जीरो जीरो रिमाइंडर बचा वन तो अब किसी भी नंबर को अगर मुझे लिखना है बाइनरी फॉर्म में तो मैं इसको ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिखूँगा रिवर्स ऑर्डर का मतलब जो ये बिट होएगी मेरी वो मेरी एम एस बी होएगी और ये बिट जो होएगी मेरी वो मेरी एल एस बी होएगी तो इसको अगर मैं लिखूँ इधर से इधर तो ये पहले क्या आया मेरे पास वन आया फिर मेरे पास दोबारा यहाँ पर क्या आया वन आया फिर नेक्स्ट बिट मेरे पास वन आई फिर नेक्स्ट बिट वीडे पास वन आई फिर ज़ीरो फिर वन फिर वन तो ये मेरा क्या हो गया वन ट्वेंटी थ्री जो कि मेरा डेसिमल में था मैंने उसको बाइंडी में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो आइए देखते हैं कि अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दे दिया जाए तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके अंदर वन ट्वेंटी थ्री जो है वो हमारा इंटीजर पार्ट है तो इंटीजर पार्ट को आप वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली देखा है अभी पिछले पॉइंट सिक्स टू फाइव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए आपको क्या करना है तो जैसे कि लिखा है यहाँ पर कि डेसिमल पार्ट को मल्टीप्लाई बाय टू और नोट डाउन द इंटीजर पार्ट इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ डेसिमल पार्ट लीजिए जैसे ये हमारा डेसिमल पार्ट है इसको आप दो से गुना कीजिए तो ये क्या आएगा टू फाइव जो टेन टू टू जो फोर प्लस वन फाइव सिक्स टू ट्वेल्व एंड दिस अब इसके अंदर हमारा क्या आया कि नोट डाउन द इंटीजर पार्ट इसका मतलब क्या है इसके अंदर इंटीजर पार्ट ये आया तो हमारी डेसिमल के बाद की पहली बिट क्या होगी वन अब सेकंड हमें स्टेप क्या करना है हमें जो डेसिमल का बाद का पार्ट है तो सिर्फ वो लेना है इंटीजर पार्ट को निगलेक्ट करके तो अब क्या हमारे पास पार्ट बचा ज़ीरो इसको हमने क्या करना है टू से सक्सेसिवली मल्टीप्लाई करना है तो अब क्या है हमारे पास ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो तो अब हमारे पास इंटीजर पार्ट क्या आया ज़ीरो तो अब इस पार्ट को निगलेक्ट करेंगे और इस पार्ट को लेंगे तो अब क्या बचा ज़ीरो पॉइंट फाइव ज़ीरो इसको हम क्या करेंगे टू से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो तो इधर से हम इंटीजर पार्ट को लेंगे और इसको हम अब अब देखते हैं कि अगर ज़ीरो ज़ीरो को अगर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो ये दोबारा ज़ीरो 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 ही आते रहेगा तो पॉइंट सिक्स टू फाइव का जो है हमने जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा क्या हो गया ज़ीरो पॉइंट वन ज़ीरो वन और वन ट्वेंटी थ्री का रिप्रेजेंटेशन था चार वन ज़ीरो डबल वन बेस टू इधर दोस्तों ये डेसिमल में होएगा तो इसका बेस टेन है और इसका बेस टू है तो टोटल रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया हमारा वन ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स टू फाइव का चार वन ज़ीरो डबल वन पॉइंट वन ज़ीरो वन बेस टू में अगर आपको ये पता लग गया है तो अब हम देखते हैं आर आर में एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का 2015 में उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर हमें बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किसका पूछा है 144.5 का तो दोस्तों देखो 144.5 जो है इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है ठीक है इसके अंदर दो पार्ट है एक इंटीजर पार्ट है और एक क्या है डेसीमल पार्ट है तो इंटीजर पार्ट को हम कैसे करते हैं सक्सेसिवली टू से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर नोट करते जाते हैं जैसे कि आपको पता है तो इसका क्या होएगा सेवेंटी टू से जाएगा और रिमाइंडर ज़ीरो आएगा ये थर्टी सिक्स से जाएगा रिमाइंडर ज़ीरो आएगा ये एटीन से जाएगा रिमाइंडर ज़ीरो आएगा फिर ये नाइन से जाएगा रिमाइंडर ज़ीरो आएगा और ये फोर से जाएगा रिमाइंडर वन आएगा और फिर ये टू से जाएगा तो रिमाइंडर ज़ीरो आएगा उसके बाद ये टू से जाएगा तो फिर रिमाइंडर ज़ीरो आएगा और फाइनली यहाँ पे रिमाइंडर वन आएगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद क्या आएगा मेरे पास पहले ये वाली बिट आएगी जो कि हमारी एम एस बी है और लास्ट में ये वाली बिट आएगी जो कि हमारी एल एस बी है तो ये क्या होएगा वन डबल ज़ीरो वन वन डबल ज़ीरो वन फिर आगे क्या आएगा एक दो तीन चार चार ज़ीरो हमने लगा दिए अब हमें क्या करना है डेसिमल पार्ट कर देना तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया वो डेसिमल पार्ट क्या है मेरा पॉइंट फाइव इसको मैं सक्सेसिवली टू से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट फाइव इंटू टू इज़ ज़ीरो फिर मैं इसका इंटीजर पार्ट ले लूँगा इंटीजर पार्ट क्या होगा वन और फिर मैं इसको निगलेक्ट करूँगा तो मेरे को दिखेगा कि मेरे पास सिर्फ ज़ीरो बचा है और इसको अगर मैं आगे करते जाऊँगा तो मेरे पास सिर्फ ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो ही आते रहेगा तो अगर आपको पता हो तो ये हमारा आ गया बाइनरी रिक्वरमेंट किसका 144.5 का तो अगर हम मिलाएं ऑप्शन तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है तो दोस्तों ये तो था हमारा कन्वेंशनल तरीका तो अगर पेपर में आपको पता हो कि हमें क्वेश्चन को अगर जल्दी सॉल्व करना है तो अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ तो ऑप्शन के अंदर मैं देख रहा हूँ क्यों सिर्फ डेसिमल पार्ट को अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ बाइंड्री में तो उससे क्या होएगा मेरा क्वेश्चन आसान हो जाएगा तो अगर मैं सिर्फ डेसिमल पार्ट को देखू जो हमने देख लिया है यहाँ पे पॉइंट फाइव को हमने अगर सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या है हमारा डेसिमल पार्ट पॉइंट वन ज़ीरो तो चारों ऑप्शन में से सिर्फ थर्ड ऑप्शन ही ऐसा है जिसके अंदर मेरा डेसिमल पार्ट पॉइंट वन जीरो है तो ये क्वेश्चन आपका तीस सेकेंड से भी कम में सॉल्व हो जाएगा अगर आप सिर्फ डेसिमल पार्ट को लेकर सॉल्व करेंगे तो अभी हमने देखा दोस्तों कि हमने डेसिमल को बाइंड्री में कन्वर्ट करना हमने देख लिया है तो अब हम क्या करेंगे अब हम उसका उल्टा रिवर्स प्रोसीजर देखेंगे कि बाइंड्री किसी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए तो जैसे कि मैंने ये एग्ज़ाम्पल लिया है यहाँ पे वन ज़ीरो वन वन आपको क्या करना है दोस्तों मल्टीप्लाई एट डिजिट बाय इट्स वेट एंड ऐड इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हर डिजिट का वेट पता होना चाहिए वेट की बात जैसे मैं कर चुका हूँ कि हर नंबर सिस्टम का अपना वेट होता है तो इसके अंदर अगर हमारा बाइंडी नंबर सिस्टम है तो सिस्टम्स तो हर डिजिट का वेट का अगर टू रेस्टू दावर जीरो इस डिजिट का वेट टू रेस्टू द पावर वन इस डिजिट का वेट टू रेस्टू द पावर टू इस डिजिट का वेट और टू रेस्टू पावर थ्री इस डिजिट का वेट तो अगर मैं इसको लिखूँ डेसिमल फॉर्म में तो मैं क्या करूँगा डेसीमल इक्विपेंट क्या होगा इसका ये डिजिट इन्टू ये डिजिट इं इसका वेट तो वन इंटू टू रेस्टू द पावर थ्री प्लस ये डिजिट इंटू इसका वेट ज़ीरो इंटू टू रेस्टो द पावर टू प्लस वन इंटू टू रेस्टो द पावर वन जो कि ये डिजिट और इसका वेट था और नेक्स्ट नेक्स्ट डिजिट इंटू उसका वेट तो उसका मतलब क्या हुआ ये हो गया टू क्यूब एट ये हो गया जीरो ये हो गया टू और ये हो गया वन तो ये नंबर क्या बन गया मेरा इलेवन बेस टेन तो ये तो हो गया कन्वेंशनल गा तरीका तो अगर हम इसको शॉर्टकट में देखें तो आपको क्या करना है आपको वन ज़ीरो वन वन लिखना है जो भी आपको नंबर दिया गया हो और आपको हर पोजीशन के अंदर उसका बाइंडी वेट डायरेक्टली लिख देना है जैसे टू रजिस्ट्रो पावर जीरो क्या होता है हमारा वन तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा मेरा यहाँ पे मेरा आएगा वन और यहाँ पे मेरा आएगा टू टू की नेक्स्ट हाइएस्ट पावर फिर टू की नेक्स्ट हाइस्ट पावर क्या है फोर और यहाँ पर नेक्स्ट हाइएसट पावर क्या है एट ठीक है तो मुझे क्या कर देना है जहां पे भी वन आ रहा है उन पोजीशंस को मेरे को ऐड कर देना है तो ये क्या होएगा, एट प्लस टू प्लस वन जो कि इलेवन इधर से भी हमारा यही आंसर आया था इधर से भी हमारा यही आंसर आया है तो आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के अंदर आप सिर्फ पोजिशन को डायरेक्टली लिखिए टू रिस्ट पावर जीरो टू रेस्ट पावर वन क्योंकि कि वन टू फोर एट एक सीरीज़ बनती है आपकी जी सीरीज़ तो उसको आप जहाँ जहाँ पर वन आ रहा है उन सबको पो, पोजिशन को ऐड कर दीजिए तो आपको आपका नंबर मिल जाएगा डेसीमल से बाइंड्री से डेसीमल में अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर डेसिमल में दिया हो बाइनरी नंबर अगर डेसिमल में दिया हो तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर जो है इसके अंदर मैंने देखा कि एक डेसिमल से पहले का पार्ट है इंटीजर पार्ट जिसको मैं कहूँगा और एक डेसिमल के बाद का पार्ट है जो कि ये है मेरा पॉइंट वन वन तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ऐसे हमने देखा सिर्फ पोजिशन लिखेंगे वन टू फोर और वन मेरा कहाँ का आ रहा है इधर और इधर तो इनकी पोजिशन क्या है दिस फोर और टू तो मैं क्या करूँगा फोर प्लस टू कर दूँगा तो ये मेरा आ जाएगा सिक्स अब डेसिमल नंबर कन्वर्ट कैसे करेंगे डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए आपको उसकी जो वैल्यू है जो उसका वेट है उसको उससे मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा तो जैसे कि ये हमारा पूरा नंबर था आपको पता है यहाँ पे था टू रेस टू द पावर ज़ीरो यहाँ पे था टू रेस टू द पावर वन और यहाँ पे था टू रेस टू द पावर टू अगर आप इससे पीछे जाएंगे राइट साइड पे तो यहाँ पर आएगा टू रेस टू दावर माइनस वन और यहाँ पे क्या आएगा टू रेस टू द पावर माइनस टू तो इन अगर मेरे को जीरो पॉइंट वन वन को कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा इसको मल्टीप्लाई करूँगा टू रेस्टो पावर माइनस वन से और इसको करूँगा टू रेस्टो पावर माइनस टू से तो ये क्या हो जाएगा वन इंटू टू रेस्टो पावर माइनस वन प्लस वन इंटू टू रेस्टो पावर माइनस टू तो ये क्या हो जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाय फोर तो वन बाई टू मतलब जीरो पॉइंट फाइव प्लस ज़ीरो पॉइंट टू फाइव तो ये हो जाएगा मेरा जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो टोटल नंबर मेरा क्या बना डबल वन जीरो पॉइंट वन वन जो मेरा बाइंड्री में था उसको मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट सेवन फाइव मेरे किस में मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम में तो आइए इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं जो आर आपके जेई आपके दो हज़ार पंद्रह में आ चुका है तो ये आपको नंबर दे रखा है एक वन डबल ज़ीरो वन ज़ीरो वन, 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 वन जो कि बाइनरी में है आपको इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है तो हम सीधा एग्जाम वाली अप्रोच ही इसको सॉल्व करेंगे जो नंबर आपको दिया है आप वो लिखिए और आप सीधा उस डिजिट का उसका वेट लिखिए इसका डिजिट का वेट होता है वन फिर टू फिर फोर फिर एट फिर सिक्सटीन और फिर थर्टी टू वन वाली पोजिशन कौन सी है ये ये और ये इनको ऐड कर दीजिए तो ये थर्टी टू प्लस फोर प्लस वन आपका आ जाएगा थर्टी सेवन दस सेकेंड से भी कम में आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ऑफिशियल क्वेश्चन आर आर बी जेई दो का तो दोस्तों आज हमने देखा कि आपके पास कितने टाइप के नंबर सिस्टम है बाइंडी नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम और हक्जर है नंबर सिस्टम तो हमने आज देखा कि हम कैसे किसी भी डेसिमल नंबर को बाइंड नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे किसी बाइंडी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि, कि कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे किसी डेसिमल नंबर को हेक्जर डेसीमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनका उल्टा तो दोस्तों मुझे बताइए कमेंट्स में आपको कैसा लगा ये वीडियो और इस वीडियो को अगर, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए सब्सक्राइब कीजिए